इतना ये चाहती हूँ कि मोदी पाकिस्तान आ जाए और ये हमारे वाले प्राइम मिनिस्टर इंडिया चले जाए। सही कुछ भी वो फैसले अच्छे करता है। फीमेल्स के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा, जो जब जो फीमेल्स के लिए करेगा हम उसको प्रोवाइड करेंगे, एनीथिंग। वोट देंगे, वोट देंगे, क्या वोट देंगे, कुछ भी दे देंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। पिछले दिनों एक जगह सुना था, एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें देखा जी कि हमारा जो खेड़ा से नमक निकल रहा है वो इंडिया जाता है 2 रुपए किलो के हिसाब से, हम वहाँ पे बेचते हैं और वहाँ से जो है वो बन के फर्टिलाइज हो के और टाटा कंपनी जो भी वगैरह उसको करती है उसके बाद जो है वो जब हमारे तक पहुँचता है तो वो हम उनसे ही जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं अपना ही नमक। तो अब ये देखिए ना कि अब 2 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं तो जहालत है, हमारे कौम भी उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर ऐसा हकीकत में है तो हुक्मरानों को चाहिए कि यार आप अपने जो पॉलिसीज हैं वो तो कम से कम ठीक रखें। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अपना मुल्क इस कदर अच्छा की जाए कि इंडिया वाले हम पे फख्र करें, और जो हालात पाकिस्तान के वो बहुत बुरे हैं और इसमें सिर्फ गरीब पिस रहे हैं और कोई नहीं पिस रहा। तो एक बार और इंडिया रिएक्शन में आप लोगों का सभी का स्वागत है। दोस्तों एक बार हमारा गया पाकिस्तानी पब्लिक वीडियो रिएक्शन लेकर। दोस्तों सभी को बता दें कि वीडियो जो पाकिस्तान के किन्नरों और भी लोगों की वीडियो रिएक्शन लिया गया है, उसमें किन्नर लोग क्या बोलते हैं दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अच्छी, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करो। चलो उस वीडियो को शुरू करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कंपैरिजन कर रहा हूँ। जो मोदी ने अपनी फेसबुक के ऊपर ये पोस्ट किया कि हम अपने जो स्पेस एजेंसी को दुनिया के टॉप पे लेवल पे लेके जा रहे हैं, और आज भी हमारा प्राइम मिनिस्टर आटे की लाइनों का मुआयना कर रहा है जाके, क्या कहेंगे आप इस? अगर आज से थोड़ा सा पीछे चलूँ, तकरीबन 1990 तक की बात मैं कर लूँ, तो कहा यह जाता था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बनने जाएगा, पाकिस्तान ने ये कर देना, पाकिस्तान ने दुनिया पीछे छोड़ देनी है। आज पाकिस्तान वहाँ पर खड़ा है कि हमारे लोगों को जो है आटा लेने के लिए इस तरह करना पड़ता है, और वो भी आटा, वो आटा जो जानवरों को खिलाया जाता है, बल्कि जानवर भी उसे जो है वो सूंघ के छोड़ देंगे, खाएंगे नहीं। और मैं बात कर लूँ इंडिया की, इंडिया इस टाइम जो है वो तकरीबन आप देख लें स्पेस पे जा चुका हुआ है, अपने लोग भेज रहा है वहाँ पे स्पेस पे कि भाई आप, तो मेरा ख्याल है वो उनके काफ़ी ऐसे एक्टर्स हैं जो वहाँ पर परचेजिंग वगैरह भी आई थिंक सुनने में है वो भी करने लग गए हैं। तो वो जो है एक आगे की सोच रहे हैं, हम पीछे की सोच रहे हैं कि हमने भाई गरीब को जो है गरीब के कपड़े किस तरह बेचने हैं, हमने गरीब को आटे की लाइनों में किस तरह मारना है, हमने गरीब को रोड पर किस तरह मारना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अपना मुल्क इस कदर अच्छा की जाए कि इंडिया वाले हम पे फख्र करें, और जो हालात पाकिस्तान के वो बहुत बुरे हैं और इसमें सिर्फ गरीब पिस रहे हैं और कोई नहीं पिस रहा। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ कि मोदी पाकिस्तान आ जाए और ये हमारे वाले प्राइम मिनिस्टर इंडिया चले जाए। सही है, क्योंकि वो फैसले अच्छे करता है। फीमेल्स के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा, जो जब जो फीमेल्स के लिए करेगा हम उसको प्रोवाइड करेंगे, एनीथिंग। वोट देंगे, वोट देंगे, क्या वोट देंगे, कुछ भी दे देंगे। अच्छा पाकिस्तान के फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल बकवास, कुछ भी नहीं, बर्बादी, आगे कुछ भी नहीं, महंगाई और करप्ट में हमारा पाकिस्तान जा रहा है, महंगाई में कर्जे उठा रहे हैं और बस खाई जा रहे हैं, और इनको कोई काम नहीं है, देख लें सर चीज़ का रेट बढ़ गया और हमारा नहीं। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान को आपस में, पाकिस्तान जिंदाबाद, बट अगर आप तरक्की के लिहाज से करते हैं तो उनकी आईटी देख लें किस हद तक जा पहुंची, और आईटी से आगे जाते जाते उनकी टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच गई है कि एप्पल ने अपना पहला स्टोर जो है वो इंडिया में खोल लिया है। और हमारे दरमियान, क्योंकि हमारे पास हुकूमत भी यही कहती है कि बजट नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी के बाद हमारे मुल्क के माशी हालात, इकनॉमिक बहुत ज़्यादा डाउन है, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, और दिन ब दिन जिस तरीके से दिन गुजरते जा रहे हैं उस तरह जो है ना हमारा मुल्क नीचे ही और पीछे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तरक्की की जानेब अगर हम के गामजन है तो ऐसा बिल्कुल होता दिखाई नहीं दे रहा। यार देखो कम से कम वो ट्राई तो कर रहे हैं भाई, अगर नहीं भी जाते ना, सारे प्लेन नहीं जाते, कम से कम वो ट्राई तो कर रहे हैं ना। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमने किसी को स्पेस में भी भेजना है, हम यही सोचते आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर आपने करप्शन कर लिया तो लंदन चले जाओ। सर पाकिस्तान का फ्यूचर फिलहाल मुझे जब तक कोई लॉयल नहीं ना आता तब तक नहीं मुझे नज़र आ रहा कि पाकिस्तान कहीं पर स्टैंड करेगा, अदरवाइज पाकिस्तान बिक जाएगा और एंड पे यही होगा कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन जाएगा। आटे की लाइनों में लगी हुई हाँ टेक्नोलॉजी की तरफ है ना। हाँ जी, हमारी तरजीहात ये है कि हम आटा पूरा कर लें, रोटी पूरी कर लें, महंगाई किस तरह करनी है, मुल्क को डिस्टर्ब किस तरह करना है। जो एक साथ हम आजाद हुए थे ना, वो कहाँ कहाँ निकलते जा रहे हैं। तो बात आपकी ठीक है, मगर जाहिलियत है ना यहाँ पे, स्टडी का कोई पैटर्न नहीं है कि आवाम को स्टडी दी जाए जिससे उन्हें अवेयरनेस आए
कि हमने क्या करना है, हमारा हमने मुल्क को कैसे आगे लेके चलना है, कैसे तरक्की करनी है। अब मैंने पिछले दिनों एक जगह सुना था, एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें देखा जी कि हमारा जो खेड़ा से नमक निकल रहा है वो इंडिया जाता है 2 रुपये किलो के हिसाब से, हम वहाँ पर बेचते हैं और वहाँ से जो है वो बन के फर्टिलाइज होके और टाटा कंपनी जो भी वगैरह उसको करती है उसके बाद जो है वो जब हमारे तक पहुँचता है तो वो हम उनसे ही जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं अपना ही नमक। तो अब ये देखिए ना कि अब 2 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे, तो जहालत है, हमारे कौम भी उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर ऐसा हकीकत में है तो हुक्मरानों को चाहिए कि यार आप अपने जो पॉलिसीज़ हैं वो तो कम से कम ठीक रखें, आप तो खुद मुल्क में नहीं कुछ लेके आ रहे। इंडिया का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, लाइक उनका मानना है कि इंडियंस का, कि वो 2030 तक सुपर पावर बन जाएंगे, क्या आपको लगता है वो बन जाएंगे? वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी की दौर में वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे हैं। मर्सिडीज़ आए थे यहाँ, वो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया, फिर उनका वो क्या कहते हैं हेडक्वार्टर किसका बना है अभी रिसेंटली, आईफोन का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर बन गया। तो ये वो तो मतलब अब हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारा के मतलब के हम इंडिया के यही सोचते हैं कि वो टॉयलेट्स वगैरह ये वो, उनकी तरक्की नहीं देखते, जब सिर्फ उनके लोअर पॉइंट पर जाते हैं, उनके हाई पॉइंट पर नहीं जाते, उनको वो नोट नहीं करते उनकी तरक्की कितनी कर रहे, वो उनको यही रेलवे स्टेशन में टॉयलेट्स बनाए ये वो इन चीज़ों में फोकस करते हैं। से 3 साल पहले जब चंद्रयान खराब हुआ था, उनका मिस हुआ था, तो हम पाकिस्तान ने बहुत मजाक उड़ाया था इंडिया का चंद्रयान खराब हो गया है, ये है वो है, इवन वो दो कोशिश कर रहे हैं, अभी पिछले साल उनका चंद्रयान जो मिशन था वो कम्प्लीट हो गया है, इवन आज हम फिर भी हम आटे की लाइन में लगे हुए हैं। पाकिस्तान डूब रहा है मेरे ख्याल से, अभी आटा आहिस्ता आहिस्ता अभी देखे क्या क्या ऐसे ही बांटना ही है, इन्होंने बस भिखारी बनाया हुआ है, हुकूमत ने आवाम को भिखारी बनाया हुआ है, बस लगे हुए हैं कि इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए, उसमें हमारा भी बेनिफिट है, लाजमी नहीं कि उनका ही देखेंगे इसमें हमारा कितना नुकसान। दोस्तों एक प्रोति वीडियो खत्म, दोस्तों सभी को वीडियो में देखा कि जो वहाँ के लोग हैं, लोग खुद चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, जो दोस्तों मोदी पाकिस्तान में नहीं, दोस्तों आपको बता दें पूरी दुनिया में आज उनका नाम होता है, बच्चा बच्चा दोस्तों जानता है मोदी को, तो वहीं जो यहाँ के लोग कुछ किन्नर हो दोस्तों, वो लोग खुद बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ के मतलब हुक्मरान हैं, जो चोर हैं वहाँ के, बोलते हैं कि वो इंडिया चले जाएं और मोदी साहब पाकिस्तान में आ जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये सपनों में तो दोस्तों देखते ही रहेंगे। और बात रही वहाँ की जो डेवलपमेंट दोस्तों, और बोलते हैं कि भारत में जो टॉयलेट नहीं है और ये वो, आज दुनिया कहाँ से कहाँ चल गई, पाकिस्तान अभी टॉयलेट में ही साफ कर रहा है। तो दोस्तों इसी पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन खत्म होता है, अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो दोस्तों मिलते हैं कोई नए रिएक्शन वीडियो में, और पाकिस्तान एक कमेंट जरूर करना। चलो दोस्तों मिलते हैं कोई नए रिएक्शन, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।